गाइस वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। आज हम लोग जा रहे हैं हांसी उमरा गांव। आज हम लोग अपने कुल देवी के दर्शन करने जा रहे हैं। ये उमरा गांव में पड़ता है। ये अभी हम लोग उमरा के देवी जाने के रास्ते में हैं और ये उमरा गांव है। खेत हैं। यहाँ की रोड कितनी ज्यादा छोटी सी है, मतलब डिवाइडर भी नहीं बना रखा। इधर को ये देखिए, यहाँ सरसों उगनी शुरू हो गई है। कितने हरा और पीला पूरा लग रहा है, पूरी जमीन पीली हो चुकी है सरसों से। दूर दूर तक सरसों ही उगी हुई है यहाँ पर। यहाँ पे ये ईंटों का भट्टा है और यहाँ ईंटें बन रही है। आपको हम लोग सब कुछ दिखाते जा रहे हैं, जो तक हम नहीं पहुंचेंगे रास्ते का सब बताते हुए जाएंगे। आपको हमारे साथ बहुत मजा आएगा। उमरा देवी पहुंच चुके हैं और अब बस सीधा हमें थोड़ा सा और जाना है। 2 मिनट के रास्ते में हमारी उमरा देवी आ जाएगी। ये देखिए, हमारा मंदिर दिखना शुरू हो चुका है यहाँ से। देखिए गाइस, इसकी स्टार्टिंग होते के साथ यहाँ पे सैनिक है और अब हम मंदिर के अंदर एंट्री करते हैं। ये हमारे रिलेटिव्स की गाड़ी और यहाँ पे पूरा गार्डन है अंदर तक। अब ये लॉक कर रखा है। यहाँ पे अंदर मंदिर है, हम आपको बाद में दिखाएंगे। अभी हम पहले अपने रिलेटिव से मिलने चलते हैं। देखिए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं। ये उमरा की हमारी देवी। यहाँ पे शादी वाला लोग होते हैं। देखिए कितना बड़ा पेड़ है सामने, कितना बड़ा भी पेड़ है। ये बरगद का पेड़ है, इसकी जटे बहुत बड़ी है। ऊपर भी फूल है, फूल के साथ साथ फल भी खिले हुए हैं। देखिए गाइस, यहाँ पे मंदिर है अलग अलग तरह के, बहुत सारे। कितने सारे यहाँ पे मंदिर हैं। ये काली माता का है, ये गणेश जी का है, यहाँ पे भी कई तरह की चीजें हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे थोड़ा अंधेरा है।
यहाँ पे जोत चस्ती है, पीछे ही बहुत सारे हैं। देखिएगा इस यहाँ से ये गार्डन है पूरा। इस तरफ से ये लोग था, लेकिन हम ये दूसरी साइड से अंदर आ गए। सामने भी कमरे रहने के लिए। यहाँ पे ये पपीते लगे हुए हैं, ये बड़ा सा एक दूसरे पेड़ पे भी लगा हुआ है। यहाँ पे ये नीचे की तरफ है, आप देख सके तो। ये गाइस इस बच्चे के बाल उतरने हैं। बाइट करो। गाइस हम लोग उमरा के देवी के दर्शन करके निकल चुके हैं और हम लोग अब जा रहे हैं वापस अपने घर भिवानी। और आपको ये मेरा पहला ब्लॉग था, गलतियों पे ना ध्यान देते हुए मेरा ब्लॉग जरूर बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मेरा ब्लॉग कैसा रहा, क्योंकि मेरा ये फर्स्ट ब्लॉग था, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा है ये। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय गाइज़।